जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स फॉर हेयर एंड बियर्ड इन ऑल थ्री सर्विसेज। लेट 1700s और 1800s में कैवलरी एंड इन्फेंट्री क्लब्ड हेयर स्टाइल प्रेफर करते थे, जहां वो सारे बाल इकट्ठा करके पीछे की ओर बांध लेते थे ताकि एक्शन और क्लैश के वक्त हेयर इंटैक्ट रहें और उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। फिर World War I के टाइम पर शेविंग कंपलसरी हो गई ताकि उनको हेलमेट और गैस मास्क की प्रॉपर फिटिंग मिल सके और बाल डिस्टर्बेंस ना पैदा कर सके। बियर्ड की मैक्सिमम लेंथ जो उस वक्त अलाउ की गई थी वो थी 1 इंच, क्योंकि सोल्जर्स को मैक्सिमम टाइम अपना बैटल फील्ड में ही गुजारना था और वॉर के वक्त उन्हें हेलमेट और गैजेट्स पहनने होते थे। इसी वजह से हीट और इरिटेशन होने का डर रहता था, इसीलिए रूल्स के मुताबिक उन्हें हेयर और बियर्ड शॉर्ट रखनी पड़ी। साथ में जब सोल्जर्स टारगेट करते हैं एनिमीज की तरफ तो उन्हें पेशेंट रहना होता है, ऐसे में लंबे बाल अननेसेसरली डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। छोटे बाल अगर गीले हो जाएं तो वो तुरंत सूख भी जाते हैं, ऐसे में सोल्जर्स को कोल्ड और वेट हेयर से प्रिवेंशन मिलती है। World War II के समय ये रूल बनाया गया कि सोल्जर्स को अपने बाल शॉर्ट और फिंगर नेल्स क्लीन रखने होंगे। आगे चल के इंडियन आर्मी ने भी वो हेयर कट रूल्स को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो ज्यादा एडवांटेजेस थे। इस हेयर कट से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। लेटेस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी के मुताबिक ये स्टेट किया गया है कि मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन को आर्मी में बियर्ड रखना अलाउड नहीं है। मुस्लिम्स जिन्होंने बियर्ड और मुस्टैच 1 जनवरी 2002 से पहले कमीशन होने के वक्त रखी है, सिर्फ उन्हें ही बियर्ड रखने की अलाउंस मिलेगी, लेकिन इन पर्सनल्स को अपनी बियर्ड की लेंथ मेंटेन करनी होगी। और जिन भी पर्सनल्स ने बियर्ड कमिशनिंग के बाद ग्रो की है उन्हें ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। सिख पर्सनल्स कमिशनिंग के टाइम पे जिन्होंने टर्बन पहनी है और बियर्ड रखी है वो अपने एनरोलमेंट के बाद भी टर्बन और बियर्ड कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक उन्हें अपने बियर्ड को नीटली टाई करके रखना होगा। दोस्तों, सोल्जर्स या ऑफिसर्स के हेयर जो कि कैप या हैट से बाहर विजिबल हों उन्हें कट या शेव कराना होता है। कैप के बाहर हेयर विजिबल नहीं होना चाहिए, इसे फेमस कटोरा कट कहते हैं। पॉपुलर कटोरा कट वो हेयर स्टाइल है जिसमें यूनिट बार्बर पर्सनल के दोनों साइड कान के ऊपर रेजर लगा के शेव कर देता है ताकि सोल्जर्स और बार्बर दोनों का ही टाइम बचे और सोल्जर्स अपनी ड्यूटीज हैसल फ्री कर सके। वहीं बात करें फीमेल ऑफिसर्स की तो कमिशनिंग के बाद वो लंबे बाल रख सकती हैं, पर उन्हें भी बालों को नीटली टाई करके रखना होगा। वहीं ट्रेनिंग के टाइम फीमेल्स को भी अपने बाल कटोरा कट में कटवाने पड़ते हैं ताकि ट्रेनिंग के वक्त उनका टाइम यूजलेस चीजों में वेस्ट ना हो। यहाँ पे फीमेल सिख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के टाइम एक्सेप्शन मिलता है और कमिशनिंग के बाद फीमेल्स को लंबे बाल रखने की अलाउंस होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।